कैसे नहीं आएंगे भैया, ये तो हमारा जिंदगी है, जीवन है, आत्मा है आज बापू तो हमारी। काफी गंभीर आरोप लगे उनके ऊपर, लेना लगे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लोगों से क्या करना, लोग कुछ भी बोले, लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें के बाद किसी ने भगवान नहीं देखा, हम तो जीते जी भगवान देख रहे हैं। मेरे गुरुदेव मेरे लिए भगवान है और भगवान ही रहेंगे। नहीं, मैं तो बुलंदी से बोलती हूँ कि मैं बापू की शिष्य हूँ, मुझे कहीं भी शर्म नहीं लगती कि हमें गर्व है कि हम बापू के शिष्य। भैया जिंदगी में जीना कैसा होता है वो बापू ने सिखाया है, जीवन जीने से कैसे भी चिल्ला के कूद कूद के कहती हूँ कि पूरा विश्वास और ये विश्वास है गुरुदेव, हे मेरे बापू, हे मेरे प्रभु, कभी न टूटे कभी। प्रधानमंत्री हो, MP, MLA, बस हमारे बापू को ला दो। सुधाबेन जगदीश भाई ब्रिजवासी, बापी रेवन। यहाँ किस लिए आना हुआ? अरे यहाँ तो बापू है, यहाँ कैसे नहीं आएंगे भैया, ये तो हमारा जिंदगी है, जीवन है, आत्मा है आज बापू तो हमारी। लेकिन आपके बापू जेल के अंदर बंद है, काफी गंभीर आरोप लगे उनके ऊपर, लेना लगे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बापू क्या है हम जानते, बापू कृष्ण है और बापू हमें यानी हमारी परीक्षा ले रहे हैं ऐसे करके कि हमें हमारे भक्तों को हमारे ऊपर श्रद्धा है कि नहीं। मैं नहीं जानती भैया, कुछ भी दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी बोले। लेकिन माता जी आप जो बात कर रहे हो, लोगों का ऐसा कहना है तो बापू के अन भक्त है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों से क्या करना, लोग कुछ भी बोले, लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है, बापू से मतलब है। लोग तो बोलते ही हैं, आज से क्या हमेशा से बोलते हैं, भैया जिंदगी में जीना कैसा होता है वो बापू ने सिखाया है, जीवन जीना। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? मेरे को हो गए होंगे 27 साल। 27 साल काफी पुराना अनुभव रहा, यहाँ क्या गतिविधि हो रही है? पहले देखो मेरा पहला अनुभव, जब मैं मेरे बापू बापी में नहीं आए थे, हाँ पहली स्टार्टिंग में बापू जब बापी में आए शहर में आश्रम में नहीं, तो बापू में हमारा फरसान का धंधा था, नमकीन मिठाई का, तो हमने दुकान लगाई थी वहाँ पे पावड़ा की। कोई ने बोला था कि इस बापी में बोले नूतन नगर में कोई बाबा आ रहे हैं बहुत बड़े, तो बोले बहुत पैसा यानी बहुत ग्राहकी होती है, तो हमारे इस बच्चों के पापा ने बोला चलो अपने भी दुकान निकालते हैं। बोले सुधा, मैं बोली ठीक है निकालो, हम मथुरा के रहने वाले, मैं बोली निकालते हैं। तो अभी दुकान निकाला और मैंने बापू को देखा नहीं, जैसे बापू आ गए व्यासपीठ पे, हम दुकान पे थे, तो सब लोग भागे दर्शन के लिए, तो मैं बोली ये क्यों भाग रहे हैं, मैं बोली वो बोले मेरे पति बोले वो बाबा के दर्शन करने, तो मैं बोली मैं भी जाती हूँ दर्शन करने, तो मैं भागी भैया बापू को मैंने व्यासपीठ पे देखा, तो वहाँ से दर्शन किए, जब ऐसा नहीं था दर्शन क्या क्या कुछ भी ऐसा नहीं था, दर्शन किए मैंने और फिर मैं भाग के दुकान पे आई, मैंने बोला ओ जी, मैं बोली ये तो वही बाबा रात को मैंने सपने में देखे, मैंने बापू को जब बापू का नाम नहीं जानती, मालूम भी नहीं बाबा क्या है, मेरा पहला अनुभव कि मैंने बापू को सपने में देखा, और उस दिन मैंने लिख लिया था कि जिस दिन बापू बापी में आएंगे दोबारा मैं बापू से ही। और फिर मेरे को ये भी नहीं मालूम मंत्र दीक्षा क्या होती है, तीसरे दिन बापू ने मंत्र दीक्षा दिया, तो फिर मेरे पति बोले यहाँ तो लाखों नारियल बिके सुधा, बोल मैं बोली के क्यों, बोले मंत्र दीक्षा दिया बाबा ने, अरे मैं बोली मुझे क्यों नहीं, बोला अपने भी लेते, तो बोले अभी कभी आएंगे, तो मैं बोली आप कभी भी आएंगे तो मैं बापू से मंत्र दीक्षा, मैं बोली इसी बाबा से लूंगी, 90 से मैंने बापू से मंत्र दीक्षा लिया। और भैया मेरे इतने बड़े बड़े अनुभव हैं, मैं अनुभव कहूंगी तो रात हो जाएगी, इतने बड़े बड़े अनुभव। और मैं तो कहती हूँ कि बापू जिंदे रखे हैं, बापू नहीं होते तो कहाँ भटकते इस संसार में, बापू ही सब कुछ है भैया बापू। और मैं बापू को इस कलयुग में मेरे मरने के बाद किसी ने भगवान नहीं देखा, हम तो जीते जी भगवान देख रहे हैं, जीते जी भगवान देख रहे हैं। मेरे गुरुदेव मेरे लिए भगवान है और भगवान ही रहेंगे। और मैं तो कहूंगी कि जिस भी जन्म कुछ भी हो हमेशा मेरे बापू मेरे साथ रहे और मैं बापू के साथ, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम बापू के साथ रह सके, हमारे बापू ने हमें पकड़ा है, हमने बापू को नहीं पकड़ा, बापू ने हमें पकड़ा है। 27 सालों से यहाँ आ रहे हो, क्या गतिविधियाँ होती है आश्रम? बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं, कहीं भी नहीं होगा, हमारा आश्रम बैकुंठ क्या है हम नहीं जानते, पर बैकुंठ से भी ज्यादा है हमारा आश्रम, हमारी साधक बहनें, हमारे साधक भाई,
हमने कहीं देखा ही नहीं बाहर अपने साधक भाई बहनों जैसा। सभी साधक का अनुभव है, सभी साधक अच्छे हैं, सभी साधक सब। मैं तो बापू से प्रार्थना करती हूँ, हे बापू मेरे को ही नहीं सबको अपने से जोड़ के रखना, सबको अपना बना के रखना। इस कलयुग में ये कलिकाल है भैया, बाहर वाले लोगों को आप देखोगे ना तो नहीं देख सकोगे। मैं देखती हूँ कैसे बच्चे हैं, और मेरा गरीब है कुंटे में तो बोल। आज भी मेरे बच्चों के, मेरे पति नहीं है पर मेरे बच्चों ने छोटे पे मुझे संभाला। क्यों कैसे? इनकी वजह से, बापू की वजह से। माता जी अभी रिश्तेदार नातेदार में जाते हो तो संकोच नहीं होता कि हम आसाराम जी बापू के? नहीं, मैं तो बुलंदी से बोलती हूँ कि मैं बापू की शिष्य हूँ, मुझे कहीं भी शर्म नहीं लगती। कोई इससे भी क्यों शर्म लगेगी? मेरे बापू मेरे अभी भी मेरे आश्रम मेरी सोसाइटी में मातृ पितृ पूजन हुआ। मुकेश भाई को आप पूछना कितने खुश हो गए, लोग रो रो गए और बोले मेरा धन्यवाद उनने किया कि देखो आज भाभी ने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया कि हम गदगद हो गए, हम रो सब लोग रोने लगे, ऐसा प्रोग्राम हुआ। हमें कभी शर्म क्या, हमें कुछ भी नहीं। हमारे दरवाजे पे लगाए बापू का ये ऐसा फोटो कि हमें गर्व है कि हम बापू के शिष्य। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहीं भी ले चलो, मुझे कोई का डर नहीं लगता, कोई की शर्म नहीं लगती। क्यों शर्म लगेगी? मेरे बापू मेरे लिए भगवान। दुनिया क्या बोलती है? दुनिया तो आज से थोड़ी पहले से बोलती चली आई, ये बोलती रहेगी, इससे मुझे क्या मतलब? क्या मांग करोगे? महिला हो, देश के प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करोगे? हमारे बापू जल्दी आ जाए, यही मांगे हमारी। कुछ नहीं चाहिए, हम भी जैसे प्रधानमंत्री हो, MP, MLA, बस हमारे बापू को ला दो, कैसे भी हमें बापू ही चाहिए। को कुछ भी नहीं चाहिए भाई, पूरा विश्वास है बापू, पूरा विश्वास। कैसे भी चिल्ला के कूद कूद के कहती हूँ पूरा विश्वास, और ये विश्वास है गुरुदेव, है मेरे बापू, है मेरे प्रभु, कभी ना टूटे कभी भी। कितनी आपने देखा ये बहन, ऐसे मथुरा यूपी के रहने वाले हैं, 27 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। इनका यही कहना है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और एक आश्चर्य की बात है कि आसाराम जी बापू 5.5 साल ऊपर हो गए, जोधपुर जेल में बंद है, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन आज भी गर्व करते हैं कि हम आसाराम जी बापू के शिष्य हैं। और लगातार सरकार से, प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, वापी शहर गुजरात से, रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए।